नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने वाले वेस्टइंडीज टीम के धाकड़ ऑलराउंडर कारन पोलार्ड का अब आईपीएल सफर भी समाप्त होने वाला है। पोलार्ड जल्द ही संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम का लंबे समय से हिस्सा रहे पोलार्ड अब अपने आखिरी दौर में लग रहे हैं। मौजूदा सीजन के लिए मुंबई ने पोलार्ड को अपने 4 खिलाड़ियों में रिटेन किया था, जिसके बाद टीम से उनको काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो अब उनकी उम्मीद पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए। पोलार्ड अब की सीजन में फ्लॉप रहे हैं। 10 मैचों में 14.33 के औसत और 109.32 के स्ट्राइक रेट से केवल 129 रन बनाए। कई मौकों पर केवल पोलार्ड की वजह से टीम को हार मिली। पोलार्ड का ये खराब फॉर्म देखते हुए अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जल्दी ही संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को लगता है कि शायद ही पोलार्ड आगामी मैचों में टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आए। आकाश चोपड़ा ने अपने बयान में कहा, मुझे लगता है कि कारन पोलार्ड इस साल और नहीं खेलेंगे, अब और मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि डेवाल्ड ब्रेविस बाहर बैठे हैं और टिम डेविड अच्छा कर रहा है। बहरहाल जिस तरीके से आकाश चोपड़ा कह रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब पोलार्ड का आईपीएल में करियर खत्म होने वाला है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल पोलार्ड पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।